आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन हैं। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश। अध्यादेश को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है और सीधे तौर पर देखा भी ये जा रहा है कि क्या अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी वापस लेगी, और जो मानसून सत्र जो शुरू हुआ है, इस मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश पर जो है बड़ा फैसला हो सकता है, अध्यादेश सरकार बीजेपी वापस ले, इसके लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के जितने भी गुट हैं, उसको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग गया, क्योंकि अध्यादेश का समर्थन करना तो छोड़िए, ये कहा जा रहा है शरद पवार की तरफ से कि जो अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भैया अध्यादेश जो है ना वो नहीं जो है लागू हो पाएगा, या फिर ये कह रहे हैं कि अध्यादेश का जब मुद्दा उठेगा तो शरद पवार उसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, लेकिन सीधे तौर पर अध्यादेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है आम आदमी पार्टी के साथ उतरने की, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन आम आदमी पार्टी पर को देखने को मिल रहा है। अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बोला उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, देखिए एक रिपोर्ट। आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन हैं। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे, पहले ले आते। जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त की दिखाई दे रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या अध्यादेश का जो मुद्दा है अगर ये चुनाव में उठता है या चुनावों से पहले बीजेपी अध्यादेश वापस ले लेती है, और क्या या फिर राष्ट्रपति का इस पर कोई बड़ा फैसला आता है या सदन में इस मुद्दे को रखा जाता है तो स्पीकर साहब इस मुद्दे पर कुछ बात रखते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरे का ये साइन बजता नजर आएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर अध्यादेश लेकर आई है, क्योंकि वो ये चाहती है कि अध्यादेश लाकर आम आदमी पार्टी की ताकत को कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।